गाइस, क्या आपने भी अभी तक विंडो वेयर की शॉपिंग नहीं किया है तो यही राइट टाइम है, क्योंकि लवलेन में आ चुका है यूनिक ट्रेंडी लेटेस्ट कलेक्शन। एंड यहाँ से समर का कलेक्शन हट चुका है, टोटल विंटर वेयर का कलेक्शन है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन आया हुआ है, आपको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले इस वीडियो को, बिकॉज यह बहुत ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन मेरे को देखने को मिला। सारे के सारे जो कलर्स, पैटर्न एंड जो डिज़ाइन है ना, बहुत ज़्यादा यूनिक है, ट्रेंडी है। तो जितनी भी चीज़ें लवलेन में मिलती हैं सारा सब कुछ मैंने कवर किया है। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का लवलेन जाने का प्लान डेफिनेटली बनाने वाले हो और यहाँ से शॉप करने वाले हो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो इस वक्त मैं खड़ी हूँ लवलेन मार्केट में। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को लवलेन मार्केट के बारे में पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ। लवलेन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे गर्ल्स फैशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सीजन चेंज होता है ना, तो सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी लेटेस्ट ट्रेंडी यूनिक कलेक्शन आता रहता है। अभी विंटर से स्टार्ट हो गया है, आज ना बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड हो रखी है, तो चलिए आज जो विंटर्स का न्यू कलेक्शन आया हुआ है उसको लवलेन में एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पे क्या नया कलेक्शन आया हुआ है स्पेशली ठंड से रिलेटेड। यहाँ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी बहुत सारी वीडियोज देखने के लिए। लास्ट तक वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल एंड यूजफुल लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको अगर आप पर्सनल कन्वेंस आते हैं ना, तो आपको पार्किंग की भी व्यवस्था मिल जाएगी, सो दैट आप ना साउथ सिनेमा के पास गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो गेट नंबर 1 या 2 किसी भी गेट नंबर पे आप उतर सकते हैं, तो इजिली यहाँ पे आ सकते हैं लाइक ऑटो रिक्शा से। तो अब बातें हो गई बहुत, चलिए एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो, कम ऑन। मैंने तो स्टार्ट किया था DRM ऑफिस के जस्ट सामने से, ये वाली आप शॉप देख सकते हैं। तो इस शॉप पे ना सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी चिकनकारी कुर्तियाँ, जो कि अभी भी यहाँ पे आपको मिलती है, बट बहुत ही ज़्यादा कम स्टॉक में थी। लेकिन कलर्स आपको ऑलमोस्ट सारे देखने को मिल जाएंगे 250 रुपये की रेंज में। फिर यहाँ पर पोचो वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक वाला बहुत प्यारा लग रहा था, 550 रुपीज़ बताए थे, लेकिन यहाँ पर बार्गनिंग बहुत अच्छी चलती है तो बार्गनिंग यहाँ पर हो जाएगी। नाइट सूट का यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन था, जैसे वो वेलवेट फैब्रिक में होता है, घर में पहनने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा कम्फी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको सारे के सारे कलर्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे कुर्तियाँ वगैरह भी लगी हुई है, इसे समर वाली है, थोड़ा सा अभी के सीज़न में इसे डे टाइम में अगर आप पहन सको तो पहन सकते हो। तो यहाँ पे इस टाइप की कुर्तियाँ वगैरह आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। फिर ये हैंगर पे ना 250 रुपये के रेंज के यहाँ पे आपको स्वेटर लगे हुए थे, तो कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा देती हूँ एक एक स्वेटर, ताकि आपको कुछ डिज़ाइन, पैटर्न, कलर पता चल जाए कि किस टाइप के स्वेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन थी ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। कलर्स भी बहुत ज़्यादा, जो डार्क कलर जो बहुत प्यारे वाले कलर्स होते हैं ना, ये विंटर में बहुत सुंदर लगते हैं, इस टाइप के आपको कलर्स मिल जाएंगे। बिकॉज लवलेन में आपको गर्ल्स फैशन से रिलेटेड जो ट्रेंडी कलेक्शन होते हैं नहीं है, जो ट्रेंड में चलते हैं वो सारे कलर्स एंड वो पैटर्न डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है बेसिकली। तो ये वाला स्वेटर का कलर भाई अच्छा लग रहा था, बट सिर्फ वीडियो में, मतलब रियल में उतना अच्छा नहीं जाएगा ऑनेस्टली बोलूँ तो, बट वैसे ठीक था। इसके बाद में आपको ऐसे न्यूट्रल एंड न्यूड शेड के से जो होते हैं ना, इसे ग्रे बीच कलर के जो स्वेटर वगैरह होते हैं, ये काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे कलेक्शन अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था, लेकिन अभी तो पूरा का पूरा लवलेन मेरे को आपको एक्सप्लोर कराना है, तो मैंने सोचा चलो जी आगे भी देखते हैं एंड दूसरी वाली शॉप को विजिट करते हैं। फिर मैं बड़ी आगे एंड यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसे जैकेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, जैसे बम्बर जैकेट वगैरह। एंड एक और स्टॉल पर मेरे को देखने को, अभी मैं बाहर एक्सप्लोर कर रही हूँ, जो बाहर स्ट्रीट में स्ट्रीट यस ग्राउंड में जो शॉप लगी होती है हैंगर पे, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे से स्वेटर लगे, बट मैंने सोचा कुछ डिफरेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लोवर एंड बम्बर जैकेट थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी इसे क्रॉप फिट में, तो इसका ना 750 रुपीज़ बताए थे, बट यहाँ पे भी बार्गनिंग हो रही थी एंड इसका जो प्राइस लगाया था वो 550 रुपीज़ लगाया था, बट बिकॉज मेरे को आप लोगों को दिखाना था तो मैंने लिया नहीं है। बट अगर आप लोग जाते हैं ना तो इस प्राइस में आपको ये जैकेट वगैरह मिल जाएगी, तो ये लेन आप देख सकते हैं। अभी मैं बाहर साइड में एक्सप्लोर कर रही हूँ। इसके बाद में जो वॉल है ना, वॉल पे के बगल में ये वाली दुकान थी बेसिकली,
तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से कार्डिगन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड स्वेटर का कलेक्शन भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इनके यहाँ का जो प्राइस था ना वो 500 रुपीज़ बता रहे थे, बट 300 350 एंड 300 रुपीज़ में ये इजीली दे रहे थे, बिकॉज इनके यहाँ की क्वालिटी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो 250 वाला तो नहीं था माल, लेकिन हाँ 300 रुपीज़ इनफ था। तो यहाँ पर बार्गनिंग हो रही थी, बट 300 रुपीज़ के आप कोई सा भी डिज़ाइन पैटर्न ले सकते हैं। एंड सारे के सारे जो पैटर्न्स थे काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे। मुझे इनके यहाँ के कलर्स पैटर्न बहुत सुंदर लगे, और सो भैया काफ़ी अच्छे नेचर के थे तो दिखा भी रहे थे बहुत अच्छे से। तो आप जब भी जा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ का कलेक्शन। एंड पैटर्न भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे बाय द वे। मेरा मन कर रहा था मैं सारा का सारा दिखा दूँ आप लोगों को, लेकिन एक वीडियो में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ दिखा पाऊँ। तो मैंने बहुत अच्छे से निकाल निकाल के एक एक यू नो जितने मेरे को सुंदर सुंदर लगे एंड जितना मैंने सर्च किया उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे आप कोई सा भी स्वेटर ले सकते हैं जस्ट 300 रुपीज़ में। मतलब ये स्वेटर ऐसे थे ना कि अगर आप कहीं पे भी पहन के जाते हैं तो ये 300 रुपीज़ ना लग करके आपको ना सामने से लोग पूछने वाले हैं कि ये स्वेटर आपने कहाँ से ले, बिकॉज इनके यहाँ के पैटर्न ही इतने प्यारे थे। गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप लवलेन में आते हैं ना तो इस वाली शॉप पे आप आ सकते हैं। भैया के पास आपको बहुत प्यारे प्यारे से स्वेटर का ही कलेक्शन है खाली। तो यहाँ पे आपको सारे तरीके के बहुत न्यू कलेक्शन आया हुआ है स्वेटर का, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन। मतलब पूरा अभी मैंने 4 से 5 शॉप एक्सप्लोर किया है, बट सबसे बेस्ट कलेक्शन मुझे इस वाली शॉप का लगा है, जो कि हैंगर पे लगा रखे बहुत अमेजिंग है। एंड इनके पास बार्गेनिंग की भी व्यवस्था है, सो कम भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद में बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में आपको कार्डिगन वगैरह मिल जाएंगे। लेयरिंग के लिए तो ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, बहुत बेस्ट होते हैं एंड अच्छे भी लगते हैं। यस, फिर जहाँ से लवलेन की लेन स्टार्ट होती है उसके जस्ट कॉर्नर में ही एक भैया लगाते हैं हैंगर पे, ये शॉप आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं इसी शॉप की बात कर रही थी। तो इनके पास में ना अभी जो मैंने स्वेटर आपको दिखाया था ब्लैक कलर का, वो बहुत ज़्यादा यूनिक था बिकॉज इसका नेक डिटेलिंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड इनके यहाँ का जो प्राइस था ये 400 रुपीज़ बता रहे थे, बट 250 रुपये में ये दे रहे थे। एंड कलर्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे से थे। नेक्स्ट कार्डिगन ये था, इसका 500 रुपीज़ बताया था बट इसका 300 रुपीज़ लगा रहे थे। इसके बाद में ना मैंने बहुत सारा सर्च किया, तो कुछ स्वेटर थे जो मेरे को ओके ओके लगे, लाइक ठीक ठाक लगे। तो यहाँ पे लाइक आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, ये छोटा भीम क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद में ना आपको बहुत लाइक यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, जो मैंने पिछली शॉप बताया था वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइक कोई सा भी अगर आप नज़र दौड़ाओगे ना आपको अच्छा अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके लाइक ग्राउंड में ना आपको इसे ठंडियों में जो आप लोवर वगैरह लेना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। जैसे ग्राउंड में बहुत सारी शॉप लगी हुई है, स्वेटर की भी शॉप लगी हुई है एंड आपको पैजामा वगैरह भी मिल जाएगा वुलेन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। फिर चलो जी लेन में इंटर होते हैं, जिसको कहते हैं एक्चुअल में लवलेन में एक लेन है उसी को लवलेन। उसके बाद में ना जस्ट बगल में ये देख सकते हैं लाइट पिंक कलर का ब्लेजर, ओ माय गॉड सच अ वेरी प्रिटी ब्लेजर, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर यहाँ पे आपको लेदर की एनिश टाइप की जैकेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नाइट सूट इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जैसे पिंक कलर में बॉटम एंड अपर दोनों था। इसके बाद में यहाँ पे आपको ट्राउज़र का कलेक्शन मिलता है एंड कलर्स आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ अभी ना विंटर्स के लिए तो ये परफेक्ट फैब्रिक है, तो अगर आप ट्राउज़र वगैरह कुछ ऑफिस वगैरह जाने के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं ना तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में जो लवलेन में ग्राउंड में जो शॉप लगती है ना वहाँ पर भी आपको ट्राउज़र है, फॉर्मल शर्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाएंगी। बट अगर आप बाहर के शॉप से मिलेंगे ना तो यहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग भी हो जाती है, वैसे बार्गेनिंग हर जगह चलती है। फिर इसकी लेन में ही ना इसी शॉप पे बहुत सारे आपको जींस के आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, जींस में आप कोई सा भी कलर वगैरह परचेज कर सकते हैं कॉटन फैब्रिक में एंड कोई सा भी साइजेस आप ले सकते हैं। नाइट सूट में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी 600-700 रुपये की रेंज में, लेकिन ये आपको 450 एंड 500 रुपीज़ की रेंज में ईजिली दे देंगे, बिकॉज बार्गेनिंग स्किल्स आपकी तेज़ होनी चाहिए। उसके बाद में ना आपको यहाँ पे ऐसे शैटन के शर्ट वगैरह देखने को मिल जाए, जैसे पार्टी वियर के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आपको जींस का अगेन कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, बिकॉज अंदर वाली जो शॉप होती है 2-3 शॉप छोड़ करके आपको जींस का कलेक्शन मिलता ही मिलता रहता है। यहाँ पे आपको लेदर की जैकेट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी एंड नीचे के साइड में आपको इस टाइप के स्वेटर वगैरह भी देखने को मिलते रहेंगे। डेनिम की जैकेट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होती है लेयरिंग के पर्पज़ से।
तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ कलेक्शन आया हुआ है, काफ़ी मेरे को अच्छा कलेक्शन लगा बिकॉज कलर्स बहुत प्यारे प्यारे थे, पैटर्न्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी थे। यहाँ पे लॉन्ग कोट का भी बहुत बढ़िया ऑप्शन था, ये ब्लैक वाला तो टोटल पार्टी वेयर है, अगर आप दिसंबर 31 दिसंबर की पार्टी में या फिर जनवरी के फर्स्ट पार्टी में आप इसको ईजिली पहन सकते हैं, क्लासी एंड डिसेंट पीस लगने वाला है। तो ये इसका जो प्राइस था वो 700 रुपीज़ बता रहे थे, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से आपको ऐसे ब्लेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप चाहे लॉन्ग ब्लेजर ले सकते हैं, शॉर्ट ब्लेजर ले सकते हैं, कोट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे कलर्स आपको सारे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ऊपर चढ़ के एक शॉप थी स्ट्रेट जाकर के लेफ्ट हैंड में, यहाँ पे बैग की शॉप दो तीन है बेसिकली, तो मैंने एक शॉप का लिया था आपको कलेक्शन दिखाने के लिए। इस टाइप के आपको यहाँ पे स्लिंग बैग है, ऑफिस बैग है, इस टाइप की आपको हैंड बैग वगैरह देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग हैंड बैग की 700 रुपीज़ से थी, तो आप यहाँ पर बार्गेनिंग भी करा सकते हैं। क्रिसमस आ रहा है जी, तो क्रिसमस के लिए आपको यहाँ पे स्वेटर देखने को मिल जाएगा, तो भाई मैंने भी सोचा चलो ले लेते हैं, मन होगा तो पहन लेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्रिसमस के लिए एक स्वेटर ले लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्यूट प्यारे प्यारे प्रिंट्स में ना क्रिसमस के लिए आपको स्वेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ लवलीन में आपको फुटवेयर का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो शूज़ हो, सैंडल हो, या फ्लैट में ऐसे कुछ डिज़ाइन टाइप में अगर आपको पार्टी वेयर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला क्रिसमस के लिए तो एकदम परफेक्ट स्वेटर था बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड काम। अब लवलीन में इतना अच्छा कलेक्शन आएगा और मैं शॉपिंग ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, तो मैंने भी ढूंढ ढूंढ करके बहुत सारी शॉपिंग कर लिया है। अगर आपको उसका हॉल चाहिए कि मैंने लवलीन से क्या क्या चीज़ें लिया है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, डेफिनेटली हॉल बना करके शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बाय द वे यहाँ पे ना आपको ड्रेसेस वगैरह का कलेक्शन मिल जाएगा, एंड मिडी ड्रेसेस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नाइट सूट का बहुत प्यारा कलेक्शन था, तो इस वीडियो में एक ड्रेस आप देख सकते हैं नाइट सूट की, बाकी का कलेक्शन पार्ट टू में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको थोड़ी वीडियो पसंद आई है तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अब जल्दी से ये बता दो नेक्स्ट वीडियो कहाँ के आप देखना चाहते हो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय गाइज़।